आप लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम वीडियो देखेंगे हाउ वॉज यूनिवर्स क्रिएटेड। सो ये वीडियो आज हम देखने वाले हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, इसे जानेंगे थोड़ा सा मैथोलॉजी के थ्रू। और चलते हैं वीडियो की तरफ और रेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दर्शकों, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सवाल कई दशकों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का विषय रहा है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी विस्फोट के कारण इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई और फिर विकास के क्रम में धीरे धीरे जीवों की उत्पत्ति आरंभ हुई। परंतु हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो इस सृष्टि की रचना परमपिता ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से की है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण, नारद पुराण सहित कई पुराणों और वेदों में किया गया है। और यही कारण है कि परमपिता ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता भी कहा जाता है। परंतु इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि शिव पुराण सृष्टि की रचना के संबंध में क्या कहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये कथा शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। शिव पुराण के रुद्र संहिता में इस बात का वर्णन किया गया है कि जब नारद जी ने परमपिता ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवर्षि, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी उत्पत्ति श्री हरि के नाभि कमल से हुई है। जब मेरी उत्पत्ति हुई तो देवों के देव महादेव ने मुझसे सृष्टि रचना का आदेश दिया और वे अंतर्धान हो गए। उसके बाद मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यानमग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा और फिर भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद की प्राप्ति कर मैंने सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया। उसके पश्चात मैंने सृष्टि की रचना की इच्छा से भगवान शिव और उनका स्मरण करके पहले उनके द्वारा रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जिसे 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतनता ना देख कर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। इस तरह 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। उसके बाद मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया था तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहां साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से वे प्रभु वेराज पुरुष कहलाए। प्रसन्न मुख महादेव ने न केवल अपने रहने के लिए सुगम्य कैलाश नगर का निर्माण किया जो सब लोगों से ऊपर सुशोभित होता है। देवर्षे, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन दो धामों का कभी नाश नहीं होता। हे नारद, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ और महादेव जी की आज्ञा से ही मुझमें सृष्टि रचाने की इच्छा उत्पन्न हुई है। उसके बाद जब मैं सृष्टि की रचना की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझमें अनजान में ही पाप पूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। तदनंतर प्रसन्न चित्त होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग है। वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ जो दुख से भरा हुआ है
उसका नाम है त्रियक श्रोता। वह सर्ग भी पुरुषार्थ साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझमें शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। उसे उद्धर्व श्रोता कहते हैं। यह देवसर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देवसर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित जानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब जाकर भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अवार्क श्रोता कहा गया है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधन के उद अधिकारी हैं। तदनंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने पांच तरह की वैकृत सृष्टि का वर्णन किया है। इनके सिवा तीन प्राकृत सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहला महत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन्मात्माओं का सर्ग है और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह वे तीन प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से आठ सर्ग होते हैं। इनके सिवा नवा कौमार्ग सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सबके अयांतार भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। हे मुनिश्रेष्ठ, इन सब के बाद द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन हुआ। इसी का दूसरा नाम कौमार्ग सर्ग है, जिसमें सननंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई। सनक आदि मेरे चार मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं, परंतु उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के निर्माण करने से मना कर दिया। यह सुनकर मुझे भयंकर क्रोध आ गया और उस समय मुझ पर मोह रूपी अंधकार छा गया। उस समय मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। उसके बाद श्री हरि के आदेशानुसार मैं भगवान शिव के नाम से महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहें और नासिका के मध्य भाग से सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहे तेज की राशि सर्वज्ञ एवं सर्वत्रिष्ठा हैं। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा बल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवाधिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गुणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। मुनिश्रेष्ठ, मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल मुझसे बोले, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापते, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। उसके बाद मैंने देवाधिदेव महादेव की आज्ञा के अनुसार अपने पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अथर्ववेद की ऋचाएं की रचना की। तत्पश्चात मैंने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और स्थापत्य आदि उपवेदों की रचना की। फिर अपने मुख से इतिहास पुराण उत्पन्न किया और फिर योग विद्या, दान, तप, सत्य, धर्म आदि की रचना की। और अंत में मैंने अपने हृदय से ओंकार, अन्य अंगों से वर्ण, स्वर, छंद आदि तथा क्रीड़ा से सात सुर प्रकट किए। परंतु इन सब की रचना के बाद जब मुझे लगा कि मेरी सृष्टि में वृद्धि नहीं हो रही, तो मैंने अपने शरीर को दो भागों में विभक्त कर दिया, जिनका नाम का और या, यानी काया हुए। उन्हीं दो भागों में से एक से पुरुष तथा दूसरे से स्त्री की उत्पत्ति हुई। पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शतरूपा था। मनु और शतरूपा ने मानव संसार की शुरुआत की।
तो दर्शकों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर जान ही गए हैं तो अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को अब ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो है जिसमें यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ और किस तरह से मेल एंड फीमेल जो है वो क्या वो बने, उसके बारे में आज हमें इस वीडियो में जानने को मिला। वैसे कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि यूनिवर्स के जो गॉड हैं वो विष्णु हैं, कोई कहते हैं शिव जी हैं। तो यहाँ पर आकर मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं एक्चुअली कभी भी कमेंट रीड कर रही होती हूँ, काफ़ी जगहों पर मुझे विष्णु जी के बारे में सुनने को मिलता है, काफ़ी जगह पर शिव जी के बारे में सुनने को मिलता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो डिवोटीज हों जो अब जिनका ज़्यादा मानना है, अब कुछ लोग ज़्यादा विष्णु जी को मानते हैं, कुछ लोग ज़्यादा शिव जी को मानते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बट आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हो ये चीज़, बिकॉज मैं भी समटाइम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ इस बात पर कि मतलब कि एक्चुअली कौन है, लॉर्ड विष्णु हैं या फिर कृष्ण जी शिव जी हैं। तो बात यहाँ पर हो रही है ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने काया मतलब अपने बॉडी पार्ट को दो हिस्सों में लेकर आए, मतलब उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उसमें से एक हिस्से का नाम का रखा और एक का नाम या रखा। का जो है वो बेसिकली मेल और या मतलब फीमेल। सो इस तरह से फीमेल और मेल का जो है वो जन्म हुआ। और उससे पहले कि ये जितनी भी स्टोरी बताई गई है, वैसे तो बहुत ज़्यादा हिंदी लिखी हुई थी, हिंदी था जो कि मुश्किल वर्ड्स थे, मतलब यहाँ से आ रहे थे यहाँ से निकल रहे थे, बट फिर भी मैं बहुत गौर से सुन रही थी और आपने भी माइंड भी गौर किया होगा अगर पूरी वीडियो देखी हो, कॉन्सेंट्रेट से सुना। सो मुझे थोड़ी बहुत तो चीज़ें समझ आई हैं, जिसने विष्णु जी आते हैं ब्रह्मा जी से जो है वो कहते हैं कि ठीक है आप जो आप क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, मैं उसमें आपका हेल्प करता हूँ। तो विष्णु जी से रिलेटेड भी हमने वीडियोस देखी हैं और विष्णु जी मतलब काफ़ी एक मतलब विष्णु जी जो हैं वो बुराई को ख़त्म करने में भी काफ़ी हेल्प किया लोगों का। अब मतलब कि उनकी हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें जो है वो उनसे एक बंदा जो है वो मतलब बुराई की तरफ वो अपने आप में गुमान बहुत रखता है, तो उसकी गुमान जो होता है अना जिसको कहते हैं कि वो जो अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखता है कि यस आई कैन डू एवरीथिंग, तो उनको जो है वो विष्णु जी ने ये सबक सिखाया है कि ऐसा मतलब कि खुद को इतना ऊपर मत समझो, खुद को इतना ऊँचा मत समझो। तो खैर ये एक था विष्णु जी का, इस तरह से मैं इनको जानती हूँ। बाकी जो है वो शिव जी आए, उन्होंने अब वो दो रूप में आए, मतलब आधे फीमेल और आधे मेल, मतलब कि ये मैंने अक्सर पिक्चर्स भी देखी हैं, व्लॉग्स में भी अपने बताया है कि ये देखो शिव जी की पिक्चर लगी हुई है साथ में शायद पार्वती, मुझे ऐसा फील होता था। लेकिन फिर मुझे काफ़ी फ्रेंड्स ने कहा था कि नहीं ये तो शिव जी हैं और साथ में जो हैं वो शिव जी के दो रूप, मतलब शिव जी हाफ फीमेल हैं हाफ मेल हैं, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि वो ना वो मेल हैं ना वो फीमेल हैं, वो मतलब कि शिव जी जो हैं वो जो है वो फीमेल के भी रूप में आते हैं, वो मेल्स के रूप में भी आते हैं। सो यही उन लोगों ने मुझे बताया। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितना गलत है कितना सही है, क्योंकि मैं उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही जिस तरह से मैं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि वर्ड्स नहीं मिल रहे। लेकिन जो आज इस वीडियो में हमें देखने को मिला टू पार्ट्स में शिव जी को, सो उससे मेरा माइंड क्लियर हो गया, मुझे आइडिया हो गया कि ये जब क्रिएशन हुई थी, जब सनातन धर्म से अकॉर्डिंगली जो है वो जब फीमेल और मेल का जो कॉन्सेप्ट बना था, उस टाइम पर जो है इसमें मेन रोल ब्रह्मा जी का था, शिव जी का था एंड विष्णु जी का था, तो ये जो है इनका जो मिक्सचर है, फिर उसके बाद जाके ये मतलब ये क्रिएशन हुई है। तो इसके अलावा जो है वो ब्रह्मा जी के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं था, वो भी हमें इस वीडियो में पता चला, क्योंकि मुझे तो लगता था कि सिर्फ ऐसे ही ब्रह्मा जी हैं, लेकिन वो तो एक बहुत ही शक्ति वाले थे,
बहुत ही ज़्यादा जो होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो भी एक मतलब उनकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है सनातन धर्म से, ये हमें आज इस वीडियो में आइडिया हुआ। सो इस तरह की और भी मज़े की वीडियोस जो है वो हम देखते रहेंगे, जानते रहेंगे सनातन धर्म से रिलेटेड चीज़ें। उसके लिए आप मुझे सजेशंस वगैरह भी दे सकते हैं, वैसे तो बहुत सारी सजेशंस आ रही होती हैं, सो आप मुझे सजेशंस देंगे तो हम उस पर रिएक्शन ज़रूर देंगे। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में वो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आपके पास कोई सजेशन हो वो भी दे सकते हैं, और अगर मेरी कोई वर्ड्स ऐसे हों जो कि मतलब नहीं बोलने वाले थे उसके लिए उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं खुद भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।